देखो यार, आज की डेट में मतलब लगता है कि एयरफोन्स कहीं ना कहीं एक ऐसा फैशन एक्सेसरीज बन चुके हैं। मतलब हमारे कान में ना वो कितने अच्छे लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और शायद इसी थॉट के साथ में बीट्स लेके आया है ये ब्रांड न्यू बीट्स स्टूडियो बर्ड्स प्लस। और इनफैक्ट मैंने भी ले लिया है इनका ट्रांसपेरेंट वाला एडिशन। मतलब काफी ऐसा यू नो ट्रांसपेरेंसी वाला पूरा मजा मिलने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग वाइब इनकी होने वाली है। आप कर दो बिल्कुल लाइक और शेयर और हम पता लगाते हैं कि आखिर जो बीट्स हैं इनमें एक्चुअल बीट्स कैसी सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, वैसे ना ये इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। मैं जब गया था अभी एप्पल हेडक्वार्टर्स यूएस, तो मैंने वहीं पे एप्पल पार्क विजिटर सेंटर स्टोर से इनको बाय किया। और बीट्स अगर आपको नहीं पता है तो एक्चुअली इज नाउ ओन्ड बाय एप्पल। तो ये जो है ये काफ़ी चीज़ें काम करते हैं आईफोन्स के साथ में। इनफैक्ट दिस वन ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल विद एंड्रॉयड फोन्स। हमारे पास में काफ़ी सिंपल सी पैकेजिंग है जहाँ पे यू नो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर टोटल 36 आवर्स तक की बैटरी लाइफ, एंड ऑफकोर्स दे कम विद ANC डिजाइन का एज ए से ट्रांसपेरेंट है। और हमारे पास में यहाँ पे इजी टैब है जिसके थ्रू इनको आराम से खोल सकते हैं। पैकेजिंग जो है ओके, ऐसी पैकेजिंग मैंने पहली बार देखी है कि आपका सारा सामान ऐसा एक साथ ही जो है वो बाहर निकल गया है। जहाँ पे ऑफकोर्स वी हैव दिस स्मॉल USB C2C केबल, देन वी हैव सम ईयर टिप्स जहाँ पे हमारे पास में एक्स्ट्रा स्मॉल भी है। यार ये जरूरी रहता है नो, बिकॉज ईयरफोन्स फिट बहुत अच्छे से होने चाहिए, तो मीडियम ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। देन वी हैव एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल एंड लार्ज हियर। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव ऑल द रीडिंग मटेरियल्स, जहाँ पे एप्पल म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन है, वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऑफकोर्स द आइकॉनिक बीट्स स्टिकर। इसके अलावा अगर हम देखें सीधा इस तरफ तो ये यहां से ओपन होगा। ओके, क्या चीज बनाई है, हैव अ क्लोजर लुक यार एट दीज बीट स्टूडियो बर्ड्स प्लस। फिर मैं आपसे बात करता हूं मेरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इन ईयरफोन्स के साथ में वो कैसा है। गाइस देखा आपने कैसा है एक फर्स्ट क्लोजर लुक इन्हीं बीट स्टूडियो बर्ड्स प्लस का। एंड स्पेशली इस ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में ना, मतलब दे फील काइंड ऑफ यू नो एक साईफाई फ्यूचरिस्टिक आपको पूरा यहाँ पे लुक मिलता है। और ये अगर आप याद करोगे ना कुछ रेट्रो प्रोडक्ट जो पहले एक टाइम पे आया करते थे, ऐसा कुछ एक ट्रांसल्यूसेंट डिजाइन के साथ में, तो वैसा मिल रहा है। दिस इज नॉट लाइक जैसा अभी नथिंग अपने प्रोडक्ट्स में कर रहा है, दिस इज थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का। आपको अंदर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं, नहीं भी दिख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी यूनिक इसकी अप्रोच है। वैसे ये जो बर्ड्स हैं ये और बाकी कलर्स में भी अवेलेबल हैं, ब्लैक और गोल्ड का एक ऑप्शन है, उसके अलावा एक आइवरी का ऑप्शन है, और तो खैर है ही मेरा फेवरेट ट्रांसपेरेंट। और मैंने इनको लिया भी इसी की वजह से, अदरवाइज देयर इज नो नीड एज सच कि मैं एक नए ईयरफोन्स लूं। लेकिन यहां पे यू नो काफी ऐसा आपको पेबल टाइप का इसका डिजाइन मिल जाता है। और अगर आप इनको कंपेयर करना चाहें तो यू कैन कंपेयर विद एयरपॉड्स का केस कि कैसा जो है वो यू नो डिफरेंस है इन दोनों में। ऑल्दो हल्का हल्का आपको साइज बड़ा मिलेगा अक्रॉस डायमेंशंस इफ यू कंपेयर विद दिस व्हिच इज द एयरपॉड्स प्रो जेन 2। मैं मतलब बोलूंगा कि ये एप्पल के वो ईयरफोन्स हैं जो एंड्रॉयड के साथ में भी एकदम बेस्ट काम करते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट नो बीट्स इज अगेन यू नो ओन्ड बाय एप्पल। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है इन ईयरफोन्स की कि आपको नेटिव सपोर्ट मिलता है एप्पल डिवाइसेस में, जो भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं यू नो सेम टाइम आपको वो सारा सपोर्ट जो है इसमें एंड्रॉयड फोन में कर पाएंगे। चलने को तो अब एयरपॉड्स चलते हैं एंड्रॉयड फोन में, बट देन अगेन जो कंपैटिबिलिटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, तो यहाँ पे ऐसा आपको कुछ जो है वो नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आपसे बात करता हूँ इन ईयरबड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीट्स इज एक एक्टिव जो है यूजर्स को टारगेट रख के यू नो इनको डिजाइन करते हैं, तो ऐसा इनका कुछ लुक है। कान में अगर आप पहन लें तो आपको एक तो देखो अभी ये पहनते जो है वो ट्रांसपेरेंसी और आपका नॉइस कैंसिलेशन सारी चीज़ें जो अपनी जगह पे आ गई हैं। आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, इनको आपको दबा के यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा वो टैप टैप वाला सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ये बटन की तरह दबता है आपका ईयरफोन। तो ये मतलब नो जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ जो आपने इनपुट किया है वो इनपुट हो गया है, अगर आप प्ले पॉज या जो भी अपना कुछ कमांड कर रहे हैं, तो वो एक आपको मिलता है। काफ़ी छोटे छोटे ईयरबड्स हैं, एट द सेम टाइम एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इनकी वो है लंबी बैटरी लाइफ, बिकॉज विद ANC ऑन आपको 6 घंटे तक का बैकअप मिलता है, विद ANC ऑफ आपको 9 घंटे तक का बैकअप मिलता है। और अगर आप केस को जोड़ लें
तो अप टू 36 आवर्स का को बैकअप मिल जाता है। और केस जो है वो भी एक नई फ्रेश अप्रोच लेके आता है एप्पल की दुनिया में, बिकॉज दे कम विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। जी हाँ, यहाँ पे नीचे एक यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट है। अगर आप एयरपोर्ट्स को देखोगे तो यहाँ पे लाइटनिंग वाला पोर्ट है। ऑल्दो इसमें एडवांटेज है बिकॉज यहाँ पे ये ची चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मैगसेफ भी सपोर्ट करता है। ना यहाँ पे आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, स्टैंडर्ड चार्जिंग होगी, बट एटलीस्ट टाइप सी से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। बैटरी वगैरह जो भी कॉम्पोनेंट्स लगे आपको सब इसके अंदर दिख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, एप्पल के स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट है। ऑल्दो हेड ट्रैकिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है, जहां पे एयरपॉड्स प्रो जो है वो ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, IPX4 की रेटिंग है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी एक्टिव लाइफस्टाइल में है तो आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जिनको बीट्स पसंद है या वो लोग जिनके पास में मल्टीपल फोन्स रहते हैं, वो कभी एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, कभी आईफोन यूज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, तो दिस is kind of an interesting product, जहां पे प्राइस जो है ना वो एक मेजर डिफरेंस लेके आती है। जहां पे इनकी जो प्राइस है भाई वो $249 की है, इसकी प्राइस है $169 अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 14,000 के आसपास पड़ता है। और अगर आप एक फॉर एग्जांपल सैमसंग के बड्स लेंगे तो फिर वो इतने अच्छे से एप्पल के साथ कंपैटिबल नहीं है, मतलब जो दोनों साथ में बढ़िया से चल जाए वो ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो है बीट्स के स्टूडियो बड्स प्लस, ये वो मामले में एकदम फिट हो जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी इज एंजॉयबल बड़े आराम से, नॉइस कैंसिलेशन ऑल्सो वर्किंग गुड। ऑल्दो ये एक अलग लेवल पे जा रहे हैं भाई, तो मतलब इनका आप ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इसलिए रख रहा था सामने बिकॉज ये भी एप्पल बनाता है और ये भी एप्पल बनाता है, काफी सारे फीचर्स कॉमन है, दैट्स द रीजन। मतलब अगर आप जरा सा भी अभी सोच रहे हो ना कि यार ऐसे कौन से फीचर्स हैं जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ये कंपैटिबिलिटी दोनों प्लेटफॉर्म्स में है, तो मतलब ऐसी वो क्या चीजें हैं, तो कुछ आपको बेसिक एग्जांपल दूं। देखो एज अ नॉर्मल ईयरफोन, आप किसी भी ईयरफोन को जिसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट है और ब्लूटूथ बिकॉज दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, तो यू कैन टेक्निकली यूज एयरपॉड्स अपने एंड्रॉइड फोन के साथ में, या फिर एक सिंपल कोई भी अगर जो ईयरफोन्स होते हैं ब्लूटूथ वाले बेसिक से बेसिक, वो भी आपके आईफोन में चल जाएंगे। बट कुछ फीचर्स होते हैं जहां पे आपको एक एनहांस फंक्शनैलिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो बीट्स वाले ईयरफोन्स हैं ये हे सिरी कमांड को सपोर्ट करते हैं, जो कि हो सकता है दूसरे जो ईयरफोन्स आप यूज करें वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फाइंड माय की, तो ये फाइंड माय को सपोर्ट करते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, iOS के ऊपर भी और एंड्रॉइड के ऊपर भी। तो ये वो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नॉर्मल ईयरफोन्स ना, जैसे अगर हम इनको लगा लें एंड्रॉइड फोन में तो चलेंगे, बट देन ये फाइंड माई को सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एंड्रॉइड के अंदर जो होता है, या अगर आप एक नॉर्मल एंड्रॉइड को लगाएंगे तो वो आईफोन में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये काफी यूनिक बन जाते हैं, जहां पे दीज स्टूडियो बर्ड्स प्लस काइंड ऑफ हैव यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी अक्रॉस एंड्रॉइड एंड iOS, जो फंक्शनैलिटी को कहीं ना कहीं एनहांस कर देता है। और वो लोग जिनको मतलब ऑन द गो डिवाइसेस को चेंज करना रहता है उनके लिए काफी एक्साइटिंग हो सकते हैं। ये ऑफिशियली इंडिया में मिलते नहीं है ये, लेकिन अगर इंडिया में मिले तो मेरे ख्याल से प्राइस को देखते हुए फीचर्स तो दे आर गुड, बट देन अगर इंडिया में आए और फिर एप्पल के हिसाब से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये 17,000 के बन जाएंगे। तो उस प्राइस में जाओगे तो फिर आपको एयरपॉड्स 3 मिल जाएंगे, और जाओगे तो प्रो वगैरह मिल जाएंगे। आप बताओ व्हाट डू यू फील अबाउट दीज। मैं यूएस में था, मुझे दिखे सामने, में ले लिया, अभी इनको ट्राई करता हूँ। अच्छी बात है 9 घंटे का हमको इस साइज में सोचो बैकअप मिल रहा है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। खैर आप मन की बात नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।